हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त लव पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीपीएससी 2021 प्री की एक सीरीज चला रहे हैं, जो फटाफट रिवीजन की एक सीरीज है। पिछली वीडियो में हमने संविधान के स्रोत, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची इन सबको देखा था। आज हम एक दूसरी वीडियो है जिसमें इकोनॉमिक्स कवर करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। वीडियो भैया इम्पोर्टेंट है और ये सोच के बनाई जा रही है कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितनी बार हो सके, जितना हो सके, अंतिम समय है, मेहनत कर लीजिए, यह मौका अच्छा है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो इसको हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित देखेंगे। जैसे आप नई औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ा होगा आपने, एमएसएमई क्या है। अब एमएसएमई के जो परिभाषा है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब इस पुरानी परिभाषा नहीं रही गई, अब नई परिभाषा आ चुकी है, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि फटाफट रिवीजन सीरीज टारगेट यूपीपीएससी 2021। तो उद्योग क्षेत्र देखेंगे, इसमें हम नई औद्योगिक नीति 1991 के बारे में देखेंगे, शुरुआत करेंगे। तो नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई है वो हुई भैया 24 जुलाई 1991 को हुई। पहली चीज याद रखना है, औद्योगिक लाइसेंस से कुछ चीज़ों को मुक्त किया गया। कौन कौन से उसमें भाई, 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर शेष के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त हुई। अब इसमें जो वर्तमान समय है उसमें 4 ही उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत। कौन कौन से हैं, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद, खतरनाक रसायन, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है, याद रखना। इसमें 4 ही उद्योगों को रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी आई नई औद्योगिक नीति के तहत, कैसे कि 7 उद्योगों को आरक्षित रखा गया, लेकिन इस समय 2 ही उद्योग हैं जो कि आरक्षित हैं। कौन कौन से हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। अब तो रेलवे को भी प्राइवेट किया गया, तो ध्यान रखना अब रेलवे भी यहाँ से निकल जाएगा। एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति हुई है नई औद्योगिक नीति के तहत। क्या भाई, एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति हुई, मतलब एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया। मतलब अधिक निवेश, विलय, अधिग्रहण कर अपनी उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकें, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। ओके, 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में उद्योग लगाने हेतु अनुमति लेने की अनिवार्यता भी अब समाप्त हो गई कि 10 लाख तक जहाँ जनसंख्या वाले शहर हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं, उसके लिए अनिवार्य लाइसेंस मतलब अनुमति लेना जरूरी नहीं। एफडीआई नीति को उदार बनाया गया, उसी के तहत 91 की नीति के तहत बता रहे हैं भाई, 91 की नीति के तहत ही ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रखना। एमएसएमई क्षेत्र पर भी बल दिया गया 91 के तहत। अब एमएसएमई उस समय 91 की जब नीति थी तो ये उसके प्रावधान थे, ठीक है, ये इसके प्रावधान थे, लेकिन वर्तमान में क्या है भाई, एमएसएमई का मतलब जो माइक्रो लेवल के हैं, इनकी परिभाषा चेंज हुई है ना। तो इसमें क्या है, माइक्रो लेवल में आप 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करिए, 5 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए माइक्रो। स्मॉल में क्या है, स्मॉल में क्या है भाई, स्मॉल में 1 से 10 करोड़ निवेश करना है और टर्नओवर होना चाहिए इसका 5 से 50 करोड़ के बीच में। तो माइक्रो और स्मॉल हो गया। अब है मीडियम, मीडियम में क्या है भाई, मीडियम में है कि 10 से 20 करोड़ भैया इन्वेस्ट होना चाहिए,
टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 से 100 करोड़ टर्नओवर होगा, तो ये इसके अंतर्गत आएगा, मीडियम, मीडियम के अंतर्गत। ठीक है, ये नई परिभाषा है भाई, याद रखना, एमएसएमई की। भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं भाई? जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, IFCI, IFCI है। इसकी स्थापना 1948 में हुई है। काम क्या है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण देना, अब IFCI का काम है, मतलब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का काम है। और क्या काम है? औद्योगिक उत्पादन क्षमता में स्थायी सुधार के लिए ऋण देना, अधिकतम 25 वर्षों के लिए ऋण दे सकते हैं IFCI। दूसरा क्या है? दूसरा है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, ICICI। भारतीय औद्योगिक, नाम याद रखना, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, स्थापना हुई है 1955 में। इसमें काम है इसका निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण करना। स्थापना ध्यान रखना, IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्या है IDBI? इसकी स्थापना 1964 हुई है। ये इसका काम क्या है? औद्योगिक उद्देश्यों के सभी स्तरों का वित्त पोषण करना, आधारभूत उद्योगों को प्रोत्साहन देना। याद रखना कि 2004 से वाणिज्यिक बैंक के रूप में इसको अधिसूचित किया गया, 2004 से वाणिज्यिक बैंक के रूप में इसको अधिसूचित भी कर दिया गया, IDBI को 2004 में। ठीक है, आगे भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक क्या है? IIBI। इसकी स्थापना हुई है 1971 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, नाम बदला गया 1985 में, 1971 में स्थापना हुई, तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की, लेकिन 1985 में नाम चेंज हुआ, नाम रखा गया भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। ठीक है, फिर से 1997 में स्थापित हुआ, फिर से नाम चेंज हुआ, यही नाम आ गया, IIBI नाम रखा गया। बीमार औद्योगिक इकाइयों को वित्त पोषण प्रदान करना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, UTI, 1963 में इसकी स्थापना हुई। काम था यूनिट बेचकर बचत एकत्रित करने का काम, और छोटी बचतों को इकट्ठा कर उद्योगों का वित्त पोषण करना इसका काम रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI। SIDBI क्या काम करता भाई? इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1989 अधिनियम के द्वारा, अप्रैल 1990 में कार्यरत हुआ, अक्टूबर 1989 अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ है। लघु उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराता है। ओके, आगे देखेंगे। भारत में सार्वजनिक उद्यम, नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियां 1997 में शुरू हुई, इसमें 9 चुनिंदा कंपनियां शामिल हैं नवरत्न में, वर्तमान में 14 हो गई हैं। नवरत्न कंपनी की संख्या इस समय 14 हो चुकी है। महारत्न कंपनी क्या है भाई? महारत्न के बारे में, पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल आय इनका 5,000 करोड़ का होना चाहिए, निवल लाभ, पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ, लाभ इनका 5,000 करोड़ होना चाहिए। कंपनी का निवल लाभ होना चाहिए 15,000 करोड़। 3 वर्ष में औसतन 25,000 करोड़ का कारोबार भी हो चुका हो। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए। अब इसमें महारत्न कंपनी कौन कौन सी भाई? NTPC, ONGC, सेल, YOC, गेल, भेल, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, BPCL, HPCL और PGCIL। ठीक है, याद रखना। तो ये हैं आपकी महारत कंपनी। अब इसमें कुछ समितियां बताएंगे, समितियां, उनकी स्थापना, उनके काम क्या रहे, किस लिए उनको स्थापना हुई है, किस लिए नियुक्ति की गई समितियों की। तो पहली समिति है महालनोबिस, PC महालनोबिस समिति, 1960 में स्थापित हुई। काम था आय वितरण का आकलन करना। खुसरो समिति आई 1989 में, इसका काम था भैया कृषि एवं ग्रामीण साख के क्षेत्र में। दांते वाला एक समिति आई 1969, इसकी बेरोजगारी अनुमान लगाने के लिए था। सरकारी आयोग 1983, केंद्र राज्य संबंध, एक प्रश्न जरूर आता है यहाँ से। गोईपोरिया समिति है, ये 1990 में बनी, बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। गोस्वामी समिति 1993 में, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है, गोस्वामी समिति। नरसिंहम समिति जो 91 में बनी, वित्तीय सुधार से संबंधित है। राजा चलैया समिति 91 में बनी, कर सुधार से संबंधित है। जानकी रमन समिति 92 में बनी, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। मल्होत्रा समिति आई 1993 में, बीमा
सुधार से संबंधित है, भंडारी समिति 1994 में आरआरबी की पुनर्संरचना से संबंधित है। आरआरबी आपका जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, याद रखना, भूलना मत इसमें। आबिद हुसैन समिति आई 1995, लघु उद्योग से संबंधित थी। मीरा सेठ समिति आई 1997 में हथकरघा विकास के लिए। मीरा सेठ समिति पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। महाजन समिति आई 1997 चीनी उद्योग से संबंधित है। तारापोर समिति 1997 रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 गरीबी का आकलन करने से संबंधित थी। ठीक है, ये सारी समितियां हैं। अभी कुछ और समितियां हैं, जैसे सच्चर समिति बनी थी 2005 में, याद रखना, मुस्लिमों की स्थिति में सुधार के लिए है। सच्चर समिति 2005 में बनी है। पारिख समिति बनी भाई, ये भी 2013 में बनाई गई, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली से संबंधित। मालेगाम समिति 2018 में बनाई गई, बैंकिंग क्षेत्र में बुरे लोन से संबंधित है ये। ठीक है, कुछ बोर्ड हैं जिन पर प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, जैसे भारतीय कॉफी बोर्ड, इन पे प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है। तो भाई ध्यान रखना है कि भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु में कर्नाटका। भारतीय रबर बोर्ड कहाँ है, कोट्टायम में केरला। भारतीय चाय बोर्ड है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। भारतीय तंबाकू बोर्ड, गुंटूर आंध्र प्रदेश। भारतीय मसाला बोर्ड, कोच्चि केरल में। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण, पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, हैदराबाद आपके तेलंगाना। तो ये हैं हमारे कुछ बोर्ड जिनके शहर मतलब कहाँ पे हैं ये, तो ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। मेक इन इंडिया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना। नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना इसका उद्देश्य है। लाल फीता शाही को हटाना है, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम वही उद्देश्य है। विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत को कम करना है। उत्पादों को प्रतियोगी बनाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। करंट अफेयर जो क्वेश्चन वाला वीडियो है उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि आप लोगों ने देख रखा है कि भाई यूपीएससी में किस तरीके से प्रश्न मिले हैं, किस तरीके से प्रश्न हमने आपको सॉल्व करवाए। और ये हमने वॉइस रिकॉर्ड मतलब क्लास भी चलाई थी, क्लास में हमने डिस्कशन भी किया, तो उसका भी रिकॉर्डिंग हमने भेज रखा है ग्रुप में, तो आप उसे सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। और पीसीएस का एग्जाम है 24 अक्टूबर को, प्री का, तो उसमें अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे है। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्या है, इसकी स्थापना हुई है 1997 में। भारत सरकार तथा भारतीय उद्योगों ने संयुक्त होकर इसकी स्थापना की है। भारत सरकार भारतीय उद्योगों ने मिलकर भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1997 में की थी। भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं, एसोचैम है, सीआईआई है, फिक्की, ये तीन हैं जो भारतीय उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय उद्योगों ने और भारत सरकार ने मिलकर भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना की है ना 1997 में। तो भारतीय उद्योग कौन कौन है, उद्योगों को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एसोचैम, सीआईआई, फिक्की। क्या भाई कि भारतीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीति परक दिशा देता है। काम क्या है पता होगा इसमें, इसके जो संचालित करते हैं वो 38 सदस्यों की एक परिषद होती है, वही जो है इसको संचालित करने का काम करती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता भाई, अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा की गई संस्तुतियों पर उद्योग जो भारतीय उद्योग है ना सर, ये तीन एसोचैम, फिक्की, सीआईआई, इनके द्वारा जो संस्तुति होती है जिनके नाम की, प्रधानमंत्री उनको नियुक्त कर देते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में आदिल जैनुल भाई 2014 से इसके अध्यक्ष है ना। अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक का उपबंध 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम 1929 करता है। भाई ये प्रश्न आ चुका है,
तो याद रखना इसको कि अधिकारों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक का उपबंध कौन करता है, तो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम है जो कि ऐसा कर रहा है। ठीक है, लघु उद्योगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। वो समस्याएं कौन कौन सी है? लघु उद्योगों की समस्या यह है कि पूंजी का अभाव है इनके पास, विपणन की समस्या है, कच्चे माल का अभाव है, आधारभूत संरचना की बाधा रहती है, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या और निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता। ये सारी समस्याएं लघु उद्योगों की समस्याएं हैं, तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ के रखिए और वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा कुछ करंट अफेयर्स देख लेते, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, कुछ ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी तो हुई नहीं, 15 मिनट की वीडियो बनी है, तो इसमें हम देख लेते हैं। चलिए, जैसे वैश्विक योग सम्मेलन कहाँ हुआ है? वैश्विक योग सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऋषिकेश में, आपको पता भी है। ये किसके द्वारा किया गया? ये मोक्षयातन योग संस्थान के द्वारा, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से हुआ है मोक्षयातन योग संस्थान। ठीक है, प्लस आयुष मंत्रालय, प्लस कौन कौन, और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से किया गया है। किया तो इसने है, ये मोक्षयातन योग संस्थान ने किया है, लेकिन आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से। ठीक है, 31वां नाटो सम्मेलन कहाँ हुआ भैया? 31वां नाटो सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ ना, ब्रुसेल्स में हुआ है। ब्रुसेल्स कहाँ? बेल्जियम में। इसमें क्या कहा गया है? 2050 तक, इसका तथ्य है भाई कि 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की व्यवहार्यता का आकलन करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31वां नाटो सम्मेलन के दौरान ही ऐसा हुआ है। इसके अलावा 47वां G7 भी हुआ है। कहाँ हुआ है? यूके में हुआ है। इसमें क्या है, इसका विषय रहा, इसका थीम याद रखना, इसकी थीम क्या थी? 47G7 यूके में हुआ है। थीम रही भाई बिल्डिंग बैक बेटर, इसकी थीम रही। ठीक है, याद रखना। आगे है दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन हुआ है, सेकंड नंबर। कहाँ पे हुआ है ये भैया? बीजिंग में हुआ है। बीजिंग कहाँ है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजिंग में हुआ है। अभी हुआ नहीं है, ये अक्टूबर में होगा, इसी अक्टूबर महीना में। ठीक है, अक्टूबर 21 में ही होगा। इससे पहला जो हुआ था, वो पहला कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना है। तो पहला हुआ था भैया अशगाबाद में जाओ, कहाँ है ये? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, याद रखना। 2016 में पहला वाला हुआ था अशगाबाद में, ये याद रखना। ठीक है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है, वो वर्चुअल रूप से उन लोगों ने किया है फिलहाल। अध्यक्षता लेकिन किसने की है? ब्रिक्स अध्यक्षता किसने की है ये ध्यान रखना, वर्चुअल रूप से हुआ। अध्यक्षता की थी भारत के विदेश मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? नाम भैया S. जयशंकर। ठीक है, S. जयशंकर ने अध्यक्षता की भाई।
ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, याद रखना। और ये 16वां था। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ भाई इटली में, इटली में हुआ है, याद रखना, ये इटली में हुआ है। तो 17वां कहाँ होगा? अब ये ध्यान रखना, 17वां होगा इंडोनेशिया में, 17वां होगा इंडोनेशिया में, 17वां होगा। और कब होगा? 22 में। 18वां कहाँ होगा? 18वां होगा भारत में, भारत में 23 में, ठीक है। और जो 18 होगा, अब 19 कहाँ होगा? इसका ये भी ध्यान रखना, तो 19वां होगा भैया ब्राजील में, ब्राजील में होगा। कब होगा? 24 में होगा। तो G20, और ये 16वां हुआ था जो इटली में हुआ है, ठीक है। एक महिलाओं से संबंधित भी सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन G20 का हुआ है, वो भी इटली में ही हुआ है, याद रखना, उसमें कोई अलग नहीं हुआ, ठीक है। पहला क्वाड शिखर समिति, पहला क्वाड समिति आयोजित किया गया, पहला क्वाड समिति कहाँ हुआ भाई? इसके बारे में ध्यान रखना, ये वर्चुअल रूप से हुआ है, इसमें इंडिया है, इंडिया, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये 4 देश हैं। इसमें क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुख्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना करेंगे और COVID-19 महामारी का मुकाबला करेंगे। फिर एक जलवायु शिखर सम्मेलन भी हुआ है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? ये अमेरिका में हुआ है। इसके बारे में हम करंट अफेयर वाले प्रश्न में बता चुके हैं। क्या कहा गया है कि इसकी थीम रही कि 2030 के लिए, 2030 के लिए हमारी सामूहिक सामूहिक तेज दौड़, ये इसका मुख्य विषय है भैया, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। एक और सम्मेलन हुआ, हार्ट ऑफ एशिया, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ ये हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन? 2021 हुआ है। तो कहाँ हुआ ये? ये हुआ भैया दुशानबे में। दुशानबे कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी है, यहीं पर हुआ है। इसमें अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल आयोजित हुआ, ठीक है। फिर 20वां विश्व सतत विकास, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? 2021 में ही हुआ है, याद रखना। तो कहाँ पे हुआ है ये? प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या है, ये याद रखना है। तो भैया थीम इसकी क्या है? थीम है रीडिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग आवर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये इसकी थीम रही है भाई, याद रखना है। थीम क्या थी? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 और 20वां था, ठीक। एक प्रश्न, एक और सम्मेलन देख लेते हैं। 6वां रायसीना डायलॉग हुआ है, रायसीना डायलॉग हुआ है, दिल्ली में ही होता है, ठीक है, भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं, रवांडा के राष्ट्रपति आए थे, रवांडा के राष्ट्रपति थे, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे इसमें भैया। रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, याद रखना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक सम्मेलन हुआ है, P4G सम्मेलन, P4G सम्मेलन दूसरा संस्करण है ये। ये कब हुआ? ये हुआ है सियोल, सियोल कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी, इसकी मेजबानी में हुआ है, याद रखना। इसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आयोजन किया गया है इसका, ठीक है।
एक और है सम्मेलन कि नौवां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये मेजबानी होगी भारत के द्वारा, भारत इसकी मेजबानी करेगा। और ये कब होगा ये भी याद रखना कि 2022 में होने वाला है, ठीक है, 2022 में। 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। तो प्रवासी दिवस आपको पता है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। इस बार का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, ये थीम रही आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसकी थीम रही है भाई। ओके, कुछ और देख ले, जैसे देखिए अभी चुनाव भी हुआ था पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पुडुचेरी, है ना, ये हम फिलहाल आपको बता चुके हैं, पॉलिटी वाले वीडियो में है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये इसमें एक रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी करेंगे तो इसमें भी हम बता देते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल में कुल सीटें कितनी है भाई, मिलान करने के लिए था 296 सीटें हैं टोटल, नहीं 294 सीटें हैं टोटल, 294 सीटें हैं, ठीक है। 8 चरणों में मतदान हुआ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट किसको मिली, 213 सीट मिली है ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी भाई, और तीसरी बार, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु कुल कितनी सीटें हैं भाई, तमिलनाडु में 234 सीट है टोटल, इसमें एक ही चरण में चुनाव हुआ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उनको शपथ कौन दिलाया था, तो जगदीप धनखड़ नाम था जो कि वहां के राज्यपाल थे, ठीक है। तो तमिलनाडु क्या हुआ कि तमिलनाडु में डीएमके सबसे ज्यादा सीट मिली, कितनी, 133 सीट इनको मिली है भाई, ठीक है। एमके स्टालिन प्रधानमंत्री बने, वो एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने, है ना, एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल थे, ठीक है। अगला राज्य है केरल, केरल में कितनी सीट है भाई, केरल में 140 सीट है कुल, एक ही चरण में यहाँ पे मतदान हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल के सामने आई माकपा, माकपा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री बने, और वो भी याद रखना दूसरी बार बने हैं भाई, दूसरी बार बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल थे, इन्होंने इनको शपथ दिलवाई थी। इसके अलावा असम, असम है, असम में कुल कितनी सीटें हैं, 126 सीट है भाई, याद रखना, भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिली यहाँ पे, कितनी सीट है, 60। यहाँ के मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा बने मुख्यमंत्री, और यहाँ पे जो राज्यपाल थे, नाम है उनका प्रोफेसर जगदीश मुखी, यहाँ भी एक चरण में ही मतदान हुआ। अब है पुडुचेरी, देखिए हम इसीलिए हिसाब बता रहे हैं, क्रम है ज्यादा से कम, ठीक है। तो 30 सीट यहाँ पर है टोटल, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने, एन रंगा स्वामी बने, और याद रखना ये भी चौथी बार बने भाई। और राज्यपाल जो कि अतिरिक्त प्रभार था उनका, अतिरिक्त प्रभार के रूप में थे, नाम है टी सुंदर राजन। पार्टी कौन सबसे बड़ी निकली, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, 10 सीटें मिली थी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी, ठीक है। तो ये 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव थे, ठीक है। और देख लेते कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो बनते हैं भाई, ब्रांड एम्बेसडर जैसे अक्षय कुमार किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है भाई, अक्षय कुमार किसके, बायोटेक्नोलॉजी फर्म माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर, जसप्रीत बुमला
जसप्रीत बुमराह किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो वन प्लस स्मार्टफोन के। युवराज सिंह किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? प्यूमा मोटर स्टॉप स्पोर्ट के। विराट कोहली किसके बने भाई? विराट कोहली बने हैं वीवो के, वीवो और डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर इन दोनों के बने। फिर सोनू सूद ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने? ये बने पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आयुष्मान खुराना भी हैं, उनका भी देख लेते भाई वो कौन से। आयुष्मान खुराना ये किसके बने हैं? ये टेक्नो स्मार्टफोन के बने, टेक्नो टेक्नो स्मार्टफोन के बने। ओके, दीपिका पादुकोण ये भी बनी है भाई, इनका भी थोड़ा देख लेते हैं, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दीपिका पादुकोण जो बनी है लिवाइस की बनी है। ठीक है, ठीक है। और एक और है, नाम है करीना कपूर, उनका भी देख लीजिए। करीना कपूर किसकी बनी है? क्रिस्टा, क्रिस्टा IVF की ब्रांड एम्बेसडर है ये, IVF। ठीक है, इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो ठीक है, बस आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे भाई। वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, वीडियो में आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे, ये हमारा दावा है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय है, इसमें आराम करना ठीक नहीं है। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।